नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ था वो धर्म की स्थापना हेतु हुआ था। जैसा कि कहा गया है, पवित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताय धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे। भगवान का जब जब इस पृथ्वी में अवतरण हुआ है तब तब इसी चीज के लिए हुआ है। रामायण भी कहती है कि जब जब हो ही धर्म के हानि बाढ़े अधम असुर अभिमानी। जब जब वहाँ ऐसा होता तब तब ले हूँ मनुज अवतारा, तब तब भगवान साधारण मनुष्य के रूप में अवतरित होके धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और यह जन्म उनका जो मुख्य था, ये कंस आदि जो ये महा अधम असुर थे इनको नष्ट करने के लिए, और लास्ट आपको पता है कि उनने महाभारत में जो भी अधर्मी थे उनका विनाश करवाया, और जो भी धर्मी थे और जो न्याय संगत थे उनको विजय दिलाई, और उसके साथ साथ एक बहुत ही उत्तम उनने अपने मुखारविंदों से गाई, जिसको कहते हैं चार वेद छह शास्त्र की निचोड़ है गीता, जिसके विषय में उनने कहा है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंदों से एक एक शब्द एक एक श्लोक निकला हुआ है, और यदि गीता का कोई एक श्लोक का भी अनुसरण कर ले तो उसकी जीवन की नैया सुनिश्चित रूप से पार हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता रूपी जो ज्ञान है यदि उसमें किसी ने गोता लगा लिया तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, क्योंकि इतनी उच्चस्त उसमें ज्ञान है। कहा गया है कि गीता गंगा च गायत्री, गीता के समान किसी भी ग्रंथ में किसी भी उपनिषद में किसी भी उसमें ऐसा ज्ञान नहीं है। गीता में सारंश निचोड़ ज्ञान भरा हुआ। गीता गंगा, गंगा के समान कोई पुण्य और पवित्र सरिता नहीं है, जल नहीं है, या इस पृथ्वी में कोई गंगा जल के समान पवित्र नहीं है। गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। गायत्री स्वयमेव वेद माता है, गायत्री वेद जननी है। तो ये तीन चीज़ें अपने आप में विशिष्ट हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ, या दूसरे शब्दों में कहें कि परब्रह्म परमात्मा जब जब मनुज अवतार लेते हैं, मनुष्य रूप में आते हैं, तब तब धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पूर्णतः धर्म की स्थापना की, धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम युगे युगे, हर युग में वो ऐसा करते हैं, और अपने मुखारविंदों से कृष्ण को बहुत ही उत्तमाति उत्तम गीता रूपी ज्ञान का उपदेश दिया। जब कृष्ण पूरी तरह से सेनयोर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन खड़े हुए, तब कहते हैं तन तथा कृपया विष्टा मश्रुपूर्ण कुलेक्षण विषी दंत मिदम वाक्यामुवाच मधुसूदना। और उस वक्त अर्जुन को इतना ज़्यादा माया मोह घेर लेती है कि उसके हाथ से ना तो तीर तरकश और धनुष दोनों बिल्कुल गिर जाते हैं। वहाँ भगवान श्री कृष्ण बड़ा उच्चस्त उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया है वह उपदेश यदि एक श्लोक भी कोई प्राणी अनुसरण कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। हालांकि वह कथा कहने पे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे कहने का सारांश यह है कि गीता का जो उनने वहाँ पे उपदेश दिया है, तो हमारे न्यायालय में जो ये गीता रखी जाती है, क्यों रखी जाती है, अर्थात गीता के स्थान पर और कोई ग्रंथ नहीं, क्यों नहीं रखा जाता। जो कहते हैं कि मैं गीता, ये जो वो सौगंध खाता है कि मैं गीता के ऊपर सौगंध खा के कहता हूँ, या गीता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो उसका कारण ये है कि गीता में सभी चीज़ें समाहित हैं। गीता में ज्ञान योग है, गीता में कर्म योग है, गीता में संन्यास योग है, गीता में सांख्य योग है, गीता में वो सारी चीज़ें समाहित हैं। तो
इसीलिए उसको वहाँ पे न्यायालय में यानी कोर्ट के अंदर जब मुजरिम के सामने गीता ग्रंथ में हाथ स्पर्श कराया जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह चार वेद छः शास्त्र का निचोड़ ग्रंथ है और उस ग्रंथ की कसम खा के बोलने में व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो न्याय करता है वो भी अपने कर्म क्षेत्र पे अधिकार है उसका, जिसको कहते हैं कर्मयोग, तो वहाँ वो सिर्फ कर्मयोग अपना देखता है। यानी अर्जुन जब तीर मार रहा था तो क्या उसके भीष्म पितामह, क्या द्रोणाचार्य, क्या कृपाचार्य ये गुरु हैं, ये कोई नहीं था। अर्जुन जब तीर मार रहा था तो अपने सगे संबंधियों पे मार रहा था, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं था, क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा तो आचार्यान मातुलान भ्रातिन पुत्रान पौत्रान सखी तथा श्याला संबंध नक्षता, कोई मेरे आचार्य हैं, कोई मेरे पुत्र हैं, कोई मेरे पौत्र हैं, कोई मेरे साले हैं, सब ये सगे संबंधी हैं, इनको मार करके इंद्रप्रस्थ का राज्य क्या, मुझे इंद्रासन भी मिले तो नहीं चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन ना जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भाविता व न भूय अजो नित्यो शश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन तुम किसकी बात कर रहे हो, ना जायते म्रियते व कदाचिन, ना जिस आत्मा ने कभी जन्म लिया है ना मरी है, ना जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भाविता व न भूय, ना भविष्य में ये कभी मरेगी ना भूत में कभी मरी थी। अजो नित्यो शश्वतो यम पुराणो, ये अजर है, अमर है और शश्वत है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर का हनन होता है, शरीर का हनन होता है, आत्मा का नहीं। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी नैनम दहति पावकः न चैनम क्ले दयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, न इसको अस्त्र काट, न इसको जो है नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी, किसी अस्त्र और शस्त्र से इसको काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणी नैनम दहति पावकः, इसको अग्नि जला नहीं सकती है। नैनम दहति पावकः न चैनम क्ले दयन्त्यापो, इसको वायु सुखा नहीं सकती है, जल इसको डुबो नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बारम्बार सुनाते हैं और कहते हैं कि वासांस जीर्णा नियतभ्यहाया नमा निगृहणा करोता, हे अर्जुन जैसे एक वस्त्र जीर्ण हो जाता है और उस वस्त्र को त्याग करके नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार यह आत्मा है। जब आत्मा यह जीर्ण हो जाती है, जर्जरा अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तो यह आत्मा इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इसमें तुम मोह क्यों कर रहे, तुम अपने कर्म क्षेत्र पर अधिकार रखो और अपने कर्म पर ध्यान दो कि इस टाइम पर तुम्हारा कर्म क्या है। कर्म इस टाइम पे ममानुसारश्च युद्धश्च, मेरे अनुसार हे अर्जुन तुम अपने कर्म क्षेत्र को ध्यान देते हुए युद्ध के लिए तैयार हो और युद्ध करो। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया है, जो महाभारत में उपदेश दिया है, और उसके अलावा जो उनका जन्म हुआ है, वो जन्म ही हुआ है धर्म को विशिष्ट और उच्चस्त बढ़ाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए और अधर्म को नष्ट करने के लिए। तो धर्म संस्थापनार्थाया संभवाम युगे युगे, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मनुज अवतार में परब्रह्म परमात्मा जन्म लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं और अधर्म का नष्ट करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म आप मनाएंगे 24 को स्मार्त, गलत कह गया, 23 को स्मार्त और 24 तारीख को वैष्णो, उसमें बहुत ही आप डूब करके पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय और 11वां मन के सहित उनके चरणों में कामना कीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसी मेरी जन्माष्टमी के विशेष पर्व पर सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।